हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आप भी DU SOL में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SOL के एडमिशन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें, और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी SOL में एडमिशन लेने का इंतज़ार कर रहे हैं, और DU के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जो SOL के एडमिशन है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि एडमिशन के लिए DEB ने अभी मंजूरी नहीं दी है। डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड ने अभी मंजूरी नहीं दी है। हर साल SOL के एडमिशन के लिए DEV से मंजूरी लेनी पड़ती है, और इसके लिए अभी मंजूरी नहीं आई है। जल्दी इसके लिए एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं SOL में, तो जिन भी स्टूडेंट्स का रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर से नहीं करना चाहते हैं, ओपन से करना चाहते हैं, तो यदि आप भी ओपन से अपना कोई भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर SOL में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी सैटरडे संडे क्लास चलती है। और बात करें इसमें कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो आपका BA प्रोग्राम, BA इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, BCom प्रोग्राम और BCom ऑनर्स, ये 5 प्रोग्राम आपके SOL ऑफर करता है। इसके बाद बात करें रेगुलर और ओपन की, तो पढ़ाई करने के मामले में दोनों का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग एक जैसा ही है, और यहाँ पर आपको अब रेगुलर की तरह ही सेमेस्टर मोड में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि पहले रेगुलर में था, उसमें आपके सेमेस्टर मोड थे, और अब पिछले साल से ही आपके यहाँ पर सेमेस्टर मोड सिस्टम लागू कर दिया आपका SOL में भी। SOL में भी आपके साल में 2 बार एग्जाम होंगे, आपका सेमेस्टर सिस्टम जो है वो लागू कर दिया है। इसके बाद आपके यहाँ पर जो फीस है, तो यहाँ पर आवेदन भरते समय आवेदन शुल्क का भुगतान तुरंत करना होता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फॉर्म फिल करते समय आपको फीस इसकी तुरंत भरनी पड़ती है। इसके बाद बात करें, अगर यहाँ पर स्टूडेंट चाहें तो आप यहाँ पर आप अपना स्टडी मटेरियल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो आपको जब भी इसकी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो आपको SOL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट जो भी डिटेल है वो आपको फिल करनी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड होंगे, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको वहाँ पर फीस सबमिट करनी है 1 ईयर की। इसके बाद आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा, और 1-2 दिन बाद आपका जो ID कार्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कि आपकी जो क्लासेस हैं, तो आपकी जो क्लासेस हैं इसमें आपकी सैटरडे संडे लगती हैं। अभी कोविड की वजह से इसकी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं, और इसके बाद जब आपका कोविड ख़त्म हो जाता है, इसके बाद आपकी सैटरडे संडे क्लास चलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी SOL में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप SOL के जब भी एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आप SOL में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको पता करना है कि SOL कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है और इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जब आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो आप मेरी ये लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि SOL की कितनी फीस है, कौन कौन से प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम को करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे ही SOL के एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो आपको मेरी वीडियो के माध्यम से सारी न्यू अपडेट मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।